आज का व्लॉग का आगाज बड़ा ही ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा सा हुआ है, और साथ ही कश्मीरी चाय, हाँ पिंक टी। वेलकम जनाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अनदर व्लॉग, एंड आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, और आप सबकी दुआओं के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशहाल हूँ। इस टाइम 9 बजे का टाइम है और अंधेरा भी आपको घर में नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं है और 2 बजे आएगी, तो 2 बजे तक मैं क्या करूँगी लाइट के बगैर, क्योंकि आपको पता है सारा काम ही ऑनलाइन है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पौधों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हम वैसे ही दीवाने हैं फूलों के। तो चलते हैं, आज लगी हुई है जलती के, जो मैं पौधे लाई हूँ मैं जलती से लगा लूँ। तो मैं इस कैमरे को सेट करती हूँ, फिट करती हूँ, और फिर आप लोगों को बताती हूँ। पीछे अम्मी ने कपड़े धो के रखे हुए हैं, गुजारा करें। दिल करता है पूरे टेरेस पे गमले, पूरे टेरेस पे पौधे हों, हरे भरे फूल, लेकिन मसला ये है कि मुझे जितने ही पसंद हैं उतना ही मेरी अम्मी को एलर्जी है। इस वजह से मैंने जूस बना कर, ये मेरे पास कप पड़ा था, मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको इंजॉय करूँगी। इस टाइम मैं मोया हुआ थूम बनी हुई हूँ, वो क्या होता है अब पूछें आप लोग कमेंट में। है ना, जब इंसान ज़्यादा थका होता है ना, तो उसको खाने में भी कुछ भी मिल जाए तो वो चुपचाप बैठ के खा लेता है। तो मुझे सच में बताऊँ तो मुझे कीमा नहीं पसंद, लेकिन मैं खा लेती हूँ। और आज तो मैंने डबल मेहनत की थी, क्योंकि ऊपर जो कैरी बनी हुई थी उसको तोड़ के मिट्टी नीचे लाकर और गमले लगाना बड़ा मुश्किल काम था। उस टाइम तो मैंने कुछ ओखा सोखा खा लिया, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने लिए अपनी पसंदीदा डिश बनाई, जो कि वेजिटेबल वाले नूडल सूप वाले, ठीक है। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली आप लोगों को, इसलिए आप लोग पिछले व्लॉग देख लो, या फिर चाइनीस के जो चैनल होते हैं ना उनमें बहुत बार आई है। तो ये इतने टेस्टी होते हैं, इतना मज़ा आता है इनको खाने में, और इतने स्पाइसी होते हैं ना, सूप होता है ये, तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद सुबह नेक्स्ट डे था और कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ये नेल पेंट का कलर, पहले भी किसी ने पूछा था तो बता नहीं सकी, ये 312 है, और आप लोग देख सकते हो कितना न्यूट फ्रेशिंग कर लेते हैं। इंस्टाग्राम के अलरशाद के ये लेंसेज आए हुए थे, इन्होंने ये लेंस शायद दूसरी दफ़ा भेज दिए हैं, एक ही कलर मेरे पास 2 बार हो गया है, बट ये इतना नेचुरल, इतना न्यूट कलर है कि इसे जितना मर्ज़ी यूज़ करो अच्छा लगता है। और अलरशाद के लेंसेज की एक बात ये होती है ना कि आप इसको लगा भी लो तो आपको फ़ील नहीं होता, इरिटेशन नहीं होती, ईचिंग नहीं होती, तो ये बहुत अच्छे लेंसेज है और इतना खूबसूरत कलर है। अब आगे इसको ट्राई करते हैं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को लेंसेज में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं वैसे आप लोगों को ख़रीद के नहीं दूंगी, बट मुझे पता तो चल जाएगा किसको क्या पसंद है। इस टाइम मैं ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए कपड़े प्रेस करके रखे ही थे, लेकिन दिल नहीं किया बनाने को, लेंस भी पहने हैं, लेकिन बस कहते हैं ना मूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ ट्राई मेकअप करने की, ट्रांसफॉर्मेशन करने की, बड़ी कोशिश की पर मिड में आकर छोड़ दिया, क्योंकि कुछ तो मेहमान आ गए थे, फिर दूसरा एक आपका जो फ्लो होता है ना वो टूट जाता है। यानी जाते जाते आप सबको जुमा मुबारक, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, देखो क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं भी याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेहंदी देख रहे हैं ये बड़ा गंदा काम, आप सोच रहे होंगे दिल्ली से दिल में कि ये मेहंदी क्यों लगाई है। बड़ी लंबी कहानी है, किस दिन बैठ के सुनाऊंगी, अभी नहीं सुना सकती, अभी ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मरीना को दे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप नए हैं या पुराने हैं, किधर रहते हैं, ये कहीं बाजू शाजू में तो नहीं रहते।